टी वी हारेगा देश जीतेगा। हमेशा कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, ये सही भी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास धन की कमी है तो इसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर ज्यादा धन होने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इसी मूल मंत्र को पूरी दुनिया ने माना है। किसी भी देश के विकास की गति उसके देश के स्वास्थ्य पर टिकी होती है। इसको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समझती है, इसको लेकर योजनाएं बनाती है, लागू करती है। पहल निर्णायक होती है तो नतीजे भी बेहतरीन होते हैं। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के हेल्थ सेक्टर पर केंद्र का खास फोकस है। इसको लेकर केंद्र सरकार की योजनाएं अब अपना असर दिखा रही हैं। इस कड़ी में भारत टीबी मुक्त होने की राह में दुनिया से दुगनी गति पर चल रहा है। भारत के प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस प्रयास के लिए अपने मंत्रालय और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रगति की सराहना की। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि भारत टीबी मुक्त होने की राह में दुनिया से दोगुनी गति पर चल रहा है, यहाँ तक कि WHO ने भी इसकी सराहना की है। जेपी नड्डा ने अपने मंत्रालय और स्वास्थ्य कर्मियों को इस प्रयास पर बधाई दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हौसला बढ़ाया और भारत के लोगों को टीबी मुक्त करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की गिरावट के साथ भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी है। ये दर 8.3% की वैश्विक गिरावट के दोगुने से भी अधिक है। ये स्वीकृति टीबी देखभाल और नियंत्रण के प्रति भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निश्चय पोषण योजना और मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक के लिए नए नए तरीके का उपचार, BPALM आहार की शुरुआत जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। टीबी फ्री इंडिया का लक्ष्य 2030 नहीं है, आपके लिए 2025 है। सही रणनीति के साथ सही तरीके से ग्राउंड पर हम नीतियों को लागू करते चलेंगे तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। समर्पित स्वास्थ्य कर्मी जिनकी अटूट प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत तपेदिक के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, सराहनीय प्रगति, टीबी की घटनाओं में गिरावट भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। सामूहिक भावना से हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भारत के लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित होते हैं। कई के तो परिवार वाले भी उन्हें छोड़ देते हैं, इसके चलते कई मरीजों की मौत भी हो जाती है। अब टीबी मरीजों के ठीक होने की संख्या बढ़ने और टीबी मरीजों की घटती संख्या एक सुखद जानकारी है। टीबी हारेगा देश जीतेगा। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 तक का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए ये लक्ष्य 2025 तय किया है। इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोहराते रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है, भारत साल 2025 तक
टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, दुनिया से 5 साल पहले। पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। इतने बड़े देश ने इतना बड़ा संकल्प अपने देशवासियों के भरोसे लिया है। भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि WHO के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। 2025 आने में वक्त कम ही बचा है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में हजारों साल पुरानी इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाना संभव है? हाल में आए आंकड़ों से लगता है कि सरकार अपने तय किए हुए लक्ष्यों को हासिल कर लेगी। ये बात सच है कि भारत के सामने टीबी की चुनौती बहुत बड़ी है। दशकों से ये बीमारी भारत के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब टीबी के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज सामने आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 की माने तो 2022 में टीबी के 27% मामले भारत में सामने आए थे। यानी 2022 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग टीबी की चपेट में आए, इनमें से 27% भारतीय थे। 2022 में भारत में 28.2 लाख लोग टीबी से पीड़ित हुए। इसका मतलब हुआ कि हर 11 सेकंड में एक मरीज। भारत के बाद सबसे ज्यादा 10% मरीज इंडोनेशिया और फिर 7.1% चीन में थे। इनके बाद फिलीपींस में 7%, पाकिस्तान में 5.7%, नाइजीरिया में 4.5% मरीज सामने आए। WHO का कहना है कि COVID-19 के बाद टीबी दूसरी सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रामक बीमारी है। जो लोग HIV से संक्रमित हैं, उनके टीबी से संक्रमित होने और उससे मौत होने का खतरा ज्यादा होता है। HIV से संक्रमित मरीजों को टीबी से मौत का खतरा 18 गुना ज्यादा होता है। हालांकि भारत के आंकड़े राहत वाले हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में टीबी से 4,94,000 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 3,31,000 तक गिर गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2021 में दुनिया भर में टीबी से होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी जहां 36% थी, वो 2022 में घटकर 26% रह गई। WHO ने अपनी रिपोर्ट में भारत की तारीफ भी की है। WHO ने बताया है कि भारत में टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में तेजी आई है, इससे टीबी मरीजों की पहचान समय पर हो रही है। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे पूरा किया है। भारत में इस सर्वे की शुरुआत 2019 में हुई थी। कोविड के कारण रुकावट आने के बावजूद ये सर्वे 2021 में पूरा किया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत में ट्रीटमेंट कवरेज बढ़ा है। 2019 में यानी कोविड से पहले भारत में 70% टीबी के मरीजों को इलाज मिल पाता था, लेकिन 2022 में 80% से ज्यादा मरीजों को इलाज मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 सबसे ज्यादा टीबी प्रभावित देशों में से सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जहां ट्रीटमेंट कवरेज 80% या उससे ज्यादा है, और इसमें भारत भी शामिल है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर इस बात को दोहरा भी चुके हैं। इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है,
टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी, अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2017 से 2025 तक टीबी के खात्मे के लिए एक प्लान पेश किया था। इसमें सरकार ने 2025 तक हर 1 लाख आबादी पर टीबी मरीजों की संख्या 44 तक सीमित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी हर 1 लाख आबादी पर 119 टीबी मरीज हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। पिछले 1 दशक में भारत में हुए स्वास्थ्य सुधारों को पूरी दुनिया ने माना है। हाल में टीबी के खात्मे को लेकर आए आंकड़े भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, इसलिए हर मोर्चे पर शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। टीबी की रोकथाम को लेकर भारत को मिल रही तारीफ में राज्यों की भूमिका काफी अहम रही है। टीबी को हराने में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब स्वास्थ्य सुधारों की बात आती है तो प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। राज्य ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों की पहचान और इलाज के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस वर्ष प्रदेश को केंद्रीय टीबी डिवीजन द्वारा 6.5 लाख मरीजों की पहचान का लक्ष्य दिया गया था। अक्टूबर माह तक राज्य ने इस लक्ष्य का 86% हासिल कर 5,59,000 मरीजों की पहचान कर ली, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया। टीबी के खात्मे को लेकर महाराष्ट्र और बिहार ने 2रे और 3रे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। महाराष्ट्र में 1,85,765 और बिहार में 1,67,161 मरीजों का नोटिफिकेशन हुआ है। इससे यह साफ है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी रणनीतियों के माध्यम से बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। टीबी उन्मूलन के इस मिशन में कई कारक जिम्मेदार रहे हैं। प्रमुख रूप से सरकार द्वारा हर माह की 15 तारीख को मनाया जाने वाला एकीकृत निक्षय दिवस, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान और बार बार चलाए जाने वाले दस्तक अभियान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा मरीजों का पंजीकरण किया गया। यह कुल संख्या का लगभग 40% है। वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यह मिशन युद्ध स्तर पर जारी है और प्रदेश लगातार केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले साल भी राज्य ने 5.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 6,33,000 मरीजों की पहचान की थी, यानी 115% लक्ष्य की प्राप्ति की थी। यह उपलब्धि एक बार फिर यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR ने मिलकर सब नेशनल डिजीज सर्वेलेंस के लिए
एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। सरकार इस बीमारी से पीड़ित लोगों को मुफ्त निदान, मुफ्त दवाइयां और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। कोई भी व्यक्ति या संगठन रोग से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए निक्षय 2.0 पोर्टल पर निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करा सकता है। इस पहल का उद्देश्य टीबी से पीड़ित लोगों को आवश्यक पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान करना और उनके खिलाफ कलंक और भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। टीबी के मरीजों को 3 प्रकार की सहायता आवश्यक है। सबसे पहले एक किट जिसमें उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए उचित भोजन और पूरक शामिल हों। दूसरा, प्रयोगशाला आधारित निदान आवश्यकताओं के लिए सहायता मुहैया कराना। और तीसरा, रोगियों को व्यावसायिक कौशल से लैस करना ताकि उन्हें कार्यबल में शामिल होने और समृद्ध और उत्पादक जीवन जीने में मदद मिल सके। निक्षय 2.0 पहल के तहत कोई व्यक्ति, संगठन, कॉरपोरेट, सहकारी संगठन, जनप्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठन टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को गोद लेकर सहायता प्रदान कर सकते हैं। आम नागरिक भी निक्षय 2.0 पोर्टल की लिंक communitysupport.nikshay.in पर लॉगिन कर सकते हैं और देश के किसी भी ब्लॉक या जिले में 1 से 3 साल के बीच की अवधि के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का संकल्प ले सकते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक घातक बीमारी है। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी लोग इसे घातक या गंभीर नहीं समझते हैं। मगर हम आपको बता दें कि ये टीबी COVID-19 से भी ज्यादा घातक है। इसमें इंसान के शरीर के लंग्स पर असर पड़ता है। हर साल देश में लाखों लोग इससे अपनी जान गंवा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीबी के मरीजों में नौजवानों की लिस्ट भी ऊपर है। WHO की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अब भी लगभग 27% लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी वर्ल्ड वाइड लेवल पर 55% पुरुषों में, 33% महिलाओं में और 12% बच्चों और युवाओं में पाई जाती है। हालांकि भारत ने 2025 तक टीबी को देश से पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये बीमारी संक्रामक और फैलने वाली है। इसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु के संपर्क में आने से इंसान संक्रमित हो जाता है। ये जीवाणु सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर आपके फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। वही संक्रमित व्यक्ति छींकते हुए या खांसते हुए दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। टीबी के शुरुआती संकेत के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले खांसी होती है। खांसी के साथ खून और बलगम आना टीबी का संकेत है। ये टीबी का सबसे आम और जल्दी समझे जाने वाला लक्षण है। इसके बाद के लक्षणों की अगर बात करें तो इनमें शामिल है छाती में दर्द महसूस होना, सांस लेने या खांसते में सीने में दर्द होना, बुखार आना या ठंड लगना, रात को पसीना आना भी एक संकेत है, वजन कम होना और खाने की इच्छा में कमी होना, अत्यधिक थकान होना। वैसे तो टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है, लेकिन टीबी का इलाज है। सही समय पर इस बीमारी की पहचान करके इसका इलाज कराया जा सकता है। टीबी का इलाज संभव है। यदि समय रहते इलाज शुरू करवाया जाए तो आप बच सकते हैं। 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी होने पर आपको टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए।
watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel, and don't forget to like and share them.